वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरव और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएसबी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप डेली यूज़ करते हो अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर को, तो आप जो उसका जो सही तरीका होता है उससे आप रिमूव नहीं करते हो, सही तरीके से आप उसको नहीं निकालते हो, इसलिए जो आपका कभी कभी डाटा इनक्रिप्ट होता है या आपकी मेमोरी फॉर्मेट हो जाती है, तो उसका सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे अपने फ़ोन को यूएसबी कनेक्ट करते हो, तो दोस्तों आप देखिए, आपको कनेक्ट हो चुकी है मेरी यूएसबी, तो उसके बाजू में ही ऑप्शन आता है इजेक्ट वाला। तो आपको क्या करना है, अगर आपका आप जो डाटा या कोई भी फाइल अपने फ़ोन या यूएसबी से शेयर कर रहे हो, तो जो आपकी जो फाइल होती है वो शेयर होने के बाद आपको क्या करना है, अब जब आप अपने मतलब आपकी फ़ाइल शेयर हो चुकी है और आप अपना जो ओटीज केबल अब रिमूव कर रहे हैं, उसके पहले आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन पैनल नीचे स्क्रॉल करना है और इजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इजेक्ट करने के बाद फिर आपको जो यूएसबी होती है या पेन ड्राइव होता है उसको रिमूव कर लेना है अपने फ़ोन से। यही प्रोसेस आपको अपने कंप्यूटर में करनी है। कंप्यूटर में कैसे करना है दोस्तों, आपको जो यूएसबी स्टोरेज पे जाना है उस पर, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करना है, वहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा 5 या 6 नंबर पे इजेक्ट वाला, तो इजेक्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यूएसबी निकाल लेनी है या पेन ड्राइव रिमूव कर लेना है, ठीक है। वैसे आपको रिमूव नहीं करना है, अगर आप इस तरीके से अपने फ़ोन या कंप्यूटर का पेन ड्राइव रिमूव करते हो या यूएसबी रिमूव करते हो, तो आपके बहुत कम चांस होते हैं आपकी मेमोरी फॉर्मेट या इनक्रिप्ट होने की। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।